Hi guys, good morning. My name is Dr. Rujuta Puranik and welcome back to our channel, Not Just a Doctor. तो आज के व्लॉग में आपको हम हमारा डेली रूटीन दिखाने वाले हैं. राइट नाउ इट्स 6:45 AM. यूजुअली आई वेक अप एट 6:30, बट इट्स रेनिंग सो मच यहाँ पे कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्हाट द टाइम इज. सो आई गॉट अप एट 6:45 एंड अभी आई विल डू माय वर्कआउट. आई डू जस्ट 30 मिनट्स का वर्कआउट. आई इधर गो आउट टू वॉक, बट बिकॉज इट्स रेनिंग आई एम गोइंग टू डू इट एट होम ओनली. तो वर्कआउट करेंगे, लेट्स गो. तो अभी जस्ट मेरा 30 मिनट्स का वर्कआउट हो गया है. थोड़ा बहुत पसीना आया है एंड दैट्स व्हाट यू नीड इन द बिगिनिंग, बिकॉज स्टार्टिंग में अभी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू गेट अप एंड ट्राई टू मूव योर बॉडी एवरी डे. एंड अभी मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग करने वाली हूँ, लाइक कूल डाउन का स्ट्रेचिंग. उसके बाद आई विल हैव बाथ एंड देन ब्रेकफास्ट एंड देन स्टडी. मैं और नैनी हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं एंड ही ऑल्सो गेट्स अप अर्ली कभी कभी, लेकिन अभी बारिश की वजह से थोड़ा उसका है वो, आई डोंट नो आज कितने बजे उठा है क्योंकि आज व्लॉग शूट कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग. यू नो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है गाइस पुणे में. मैं खुद अपने बालकनी में आया नहीं हूँ दो दिन से, इतनी ज्यादा बारिश है ना कंटिन्यूसली. तो सबसे पहली चीज जो मैं लेता हूँ दिन में है वो है ब्लैक कॉफी. यार ब्लैक कॉफी इज मस्ट. To be very honest, I'm not a morning person, not at all a morning person. फिर भी मैं try कर रहा हूँ अभी कि जल्दी उठ के अपना routine शुरू करें. तो मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को बहुत सारी चीजें खुद से ही मैनेज करनी पड़ती है. तो जब भी कॉलेज में था तब कैफे या फिर कैंटीन में जाके कॉफी पीता था. घर पे रहता था तो घर पे तो मम्मी वगैरह सब होते हैं तो बना के देते थे यार. सो हाई, आई एम बैक एट द स्टडी टेबल. सो देखो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9 हो रहा है, ठीक है. आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस ब्लैक कॉफी वेरी वेरी क्विक, बिकॉज क्या है ना, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैट परफेक्ट इन्फ्लुएंसर. मुझे सुबह जल्दी उठना था, आज बहुत जल्दी उठना था, मुझे पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन रिकॉर्ड करना था. बट यार ऐसा वेदर है दैट आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली, बट हो ही नहीं रहा है मेरे से. आई नो रुजुता का रूटीन बहुत क्रेजी दिख रहा होगा इस ब्लॉग में. शी हैज स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली. मीनवाइल हाय बोल्ड, हाय. असल भी हूँ लोगों ब्लॉग में घेतला था. For recipe, contact my mom. Are you starting a YouTube channel? Yeah, I would love to. Okay. Please, all the subscribers, come here. Okay. Not bad. Lovely. MasterChef World. So, it's 9 o'clock now and I'm just finishing my breakfast. And abhi hum Nainish ko call karenge. And we'll start with padhai. हाय गाइस, तो अभी जस्ट बहुत एक इंटेंस पढ़ाई का सेशन हुआ है. वी वर डूइंग अ नैट का एम्ब्रियो. बहुत अच्छे से समझ में आया कि एक्चुअली बच्चे पैदा कैसे होते हैं, मतलब डेवलपमेंट कैसी होती है उनकी. अभी लेट्स गो एंड हैव सम लंच. आई एम वेरी हंग्री. आई थिंक आई ईट अ लॉट यार, लेट्स गो. अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो हम लोग एक ही ब्लॉग डाल रहे हैं हर वीक. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करना है यार. मेरे को तो बहुत मजा आता है पर्सनली. हम लोग इतने सारे वीडियोस बना सकते हैं ना, बट प्रायोरिटीज है यार, क्या करें. लाइक 200 के हम लोगों के होने वाले हैं अभी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स गोइंग क्रेजी. बट 6 महीने बाद वापस ही पीजी की एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ये बात जो लोग क्रिएटिव है ना वो लोग ही ये बात समझ सकते हैं कि यू कैनॉट लिव विदाउट दैट. दैट्स वेरी डिफिकल्ट. तुम्हारा जो क्रिएटिव साइड है ब्रेन का, उसको स्टिम्युलेशन चाहिए. यू कैनॉट जस्ट सप्रेस इट एंड कंटिन्यूसली मोनोटोनसली डू अ सिंगल थिंग. मीनवाइल हाय, सो लंच इज डन एंड अभी आई एम ऑन माय वे टू नैनीश्स हाउस एंड मैं टू व्हीलर पे जाने वाली हूँ. एंड पुणे गर्ल्स विल रिलेट, आर यू इवन अ पुणेआइट इफ यू डोंट वेयर अ स्कार्फ? लाइक कम ऑन,
Let's go. हमारे घर आ चुके हैं मेहमान. आज हम पहुंच चुके हैं. अरे ओ माय गॉड, ये क्या था? ओ माय गॉड, व्लॉग के अंदर व्लॉग चल रहा है यहाँ पे. व्लॉग के अंदर व्लॉग, व्लॉग के अंदर व्लॉग, व्लॉग के अंदर. ये क्या पर्पल पर्पल पहन के? ये इट्स माय क्वाड सेट. चल पढ़ाई करते हैं. और वो मफलर जो पहना है ना, वो इसके मफलर नहीं स्कार्फ बोलते हैं. ये जो भी है वो यार, वो केजरीवाल में वही पहनते हैं. तो वो आलिया भट्ट दिख रहे तू गली बॉय में की. चुप. आ चुके हैं हमारे घर पे कब्जा करने. चल पानी दे मेरे को. पियो, ये ले बोतल है, ग्लास है, पी कब चुप. हाय गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारा दोपहर का स्टडी सेशन कंप्लीट करने. जैसा इसने भी बताया, मैंने भी बताया कि हम दोनों अभी दोपहर को सिर्फ एमसीक्यूज करते हैं, बिकॉज पढ़ने का स्टेमिना ही नहीं होता, इतना नींद आता है ना. तो जो भी बाकी पढ़ना होता है वो आफ्टर सिक्स या रात को ख़त्म करते हैं. एंड एमसीक्यूज को डेडिकेटेड हमने दिया है, बिकॉज बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं यार, इट्स नॉट पॉसिबल. और जितना एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे उतने हम लोगों को मिस्टेक्स पता चलेगा, और मिस्टेक्स के साथ विल गेट अ नाइस एक्सप्लेनेशन. एंड बहुत लोग हम लोगों को यही पूछने वाले कि आपका रिसोर्स क्या है, आप कहाँ से पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो. तो वी हैव टेकन मैरो. एंटायरली हम लोगों का पूरा रिसोर्स इस टाइम मैरो ही है. एंड मैरो लेने का मेन रीजन वॉज उसकी क्वेश्चन बैंक, बिकॉज मैरोज क्वेश्चन बैंक इज डैम नाइस. मतलब नॉट जस्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, लाइक एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो टू गुड, बट उसके साथ ना वॉट दे डू इज कि आपने जो आंसर सिलेक्ट किया है इफ इट्स रॉन्ग देन दे टेल यू कि वाई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो यू गेट एन इनसाइट इन टू योर कंसेप्ट एंड यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट बेटर. एंड वन मोर पॉइंट वॉज कि अगर एक एमसीक्यू आपने सॉल्व किया, सपोज इट वॉज रिगार्डिंग एनीथिंग, सपोज अभी एक नर्व के बारे में था एमसीक्यू एंड वो आपका एमसीक्यू गलत हो गया, तो वॉट दे डू इज इतना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलता है कि वो टॉपिक ही आपका कवर हो जाता है. तो अगली बार अगर वो एमसीक्यू भी नहीं है, कोई अलग एमसीक्यू है वो टॉपिक रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो वो भी आपका इजिली क्रैक दैट एमसीक्यू. तो दिस वॉज अ मेजर रीजन फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज फ्रॉम मैरो. एंड यू कैन डेफिनेटली, मतलब हम लोग तो ये टेल देम अबाउट व्हाट वी डू फॉर टाइम पास. नो अच्छा टाइम पास. हाँ फॉर टाइम पास ना, ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट टाइम पास. अगर आपको ऐसा पढ़ाई का मतलब मन नहीं करता, बहुत थक चुके हो, तो हम दोनों यही टेक्निक यूज करते हैं. ये है कस्टम मॉड्यूल. तो यहाँ पे व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स आते हैं. एंड इनफैक्ट यू कैन चूज आपको कौन से सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं. अगर आपको एक चाहिए, दो चाहिए, सब चाहिए, वो भी कर सकते हो. तो अभी मैं और अजूता क्या करते हैं, हम लोग तीन सब्जेक्ट्स के हमने फर्स्ट ईयर के, तो बस ये तीन सब्जेक्ट्स के हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. एंड दे आल्सो हैव दिस फीचर एग्जाम मोड या रेगुलर मोड. एग्जाम मोड मतलब यू डोंट गेट टू सी द आंसर इमीडिएटली आफ्टर. एंड रेगुलर मोड में आफ्टर एवरी एमसीक्यू. वन मोर बेस्ट थिंग इज आप है ना, यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल कोड भी डाल सकते हो. मतलब एक ने अगर मॉड्यूल बना दिया तो आपके फ्रेंड्स, आप सब लोग मिलके वो सब कुछ सॉल्व कर सकते हो. और एक मेन चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि ये लू मैं, वो ऐप लू, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म्स वी हैव कम अक्रॉस. एंड डेफिनेटली इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मैरो. बाय गाइस, अभी हम लोग ये पूरे एमसीक्यूज खत्म करके जो भी बचा होगा व्लॉग करेंगे. ठीक है चलो. और इसी के साथ एक बड़ा वाला मॉड्यूल खत्म करने के बाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कॉफी ब्रेक. वी हैव नेस्कैफे गोल्ड मोका कोको चोको मोका चोको मोका. इसी के साथ ब्लैक टी शर्ट पहन के इस बोका ने बनाया है एक मोका. लेम जोक्स हैशटैग लेम जोक्स हैशटैग. थैंक यू सो मच रुजुता. लेट्स गो गर्ल लेट्स गो. कितने बजे जा रही तो आज? 7:30. नहीं तो अब भी जाओ क्या? ए गपरे, खत्म करके जा. कितना बजे पता है क्या? वो पता है लेकिन बारिश नहीं है और मेरे को भीग के नहीं जाना. हाय गाइस, तो अभी हमारा एक सेशन हो गया पढ़ाई का और मैं अभी घर जाने वाली हूँ. बी हैप्पी विद योर ओन थॉट्स, योर ओन इमोशंस, एंड देन यू कैन स्टे. सी यू गाइस एट माय होम नाउ. बाय. एंड देन यू कैन स्टे पीसफुली. योगा मैं डालने का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुक केयरफुली. सी टेक द पोजीशन, ठीक है, टेक द पोजीशन एंड यू गो इनटू शवासन. बाय बाय. तो अभी कैसा है, यूजुअली इधर मैं अकेला रहता हूँ एंड मेरे पास जिम जाने के लिए भी टाइम नहीं होता है. तो टाइम होता है नहीं होता है, इसका मतलब आपने पूरा रूटीन देखा, तो ऐसा मैं पूरा डेडिकेटेड आर नहीं निकल सकता कि मैं जाऊँ जिम करके आऊँ.
तो व्हाट आई एम डूइंग इज यूजुअली आई गो फॉर अ रन. सुबह मैं जाता हूँ सीधा रनिंग करके आता हूँ, और इफ नॉट रनिंग देन आई ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 6,000 to 8,000 स्टेप्स इन अ डे. फिलहाल बहुत ज्यादा बारिश चल रही है तो मुझे ऐसा सुबह मॉर्निंग रन को भी जाने को नहीं आ रहा है, फिर मेरे स्टेप्स कंप्लीट करने को भी नहीं हो रहे. तो व्हाट आई डू इज जनरली मैं सीधा ये योगा मैट लेता हूँ, ठीक है, योगा मैट लेता हूँ एंड सीधा आई जनरली प्रेफर हिट वर्कआउट. एक 20-25 मिनट्स का हिट वर्कआउट हो जाएगा ना तो यू आर लाइक गुड टू गो. सो गाइज एज यू कैन सी द टाइम इज वाओ मैन, कोइंसिडेंटली द टाइम इज 11:11. What a coincidence. And इसी के साथ हमारा एक लास्ट सेशन था MCQs का, वो हो चुका है एंड आज भी बैकलॉग बच ही गया है. तो ऐसा हमारा था डे. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर नहीं किया हो तो, एंड अगर एंड तक आए हो तो प्लीज लीव अ कमेंट कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हो. एंड या डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.